मुझे एक बार पापा से मिलना है, प्लीज। गार्गी, अगर मैटर हाथ से बाहर निकल गया, पापा। Yo, what's up guys? I'm your friend Jay Dalaujo. और आज मैंने देखी गार्गी। Well, अब ये गार्गी क्या है, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है और क्या ये सब लोगों के देखने लायक है भी या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं शॉर्टली बताना चाहता हूँ, मूवी अच्छी है, देखने लायक तो है, पर डीपली डिस्कशन के लिए लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके, तो भाई गार्गी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ इमेजिन करो। क्या इमेजिन करो? सोचो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे हो, आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, जो भी आपका शेड्यूल होता है उसी शेड्यूल के हिसाब से आप चल रहे हो। इतने में आपको पता चलता है कि आपका एक फैमिली मेम्बर जो है वो मिसिंग है। आपको टेंशन होगी, आप पुलिस स्टेशन जाओगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप आसपास के हर एरिया में ढूंढोगे, आपको समझो कहीं भी वो पर्सन नहीं मिल रहा। पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि उस पर्सन के ऊपर एक केस हो चुका है, और वो केस ऐसा वैसा नहीं है, वो केस है रेप चार्ज का। यानी कि आपका वो फैमिली मेंबर, आपका सबसे ज़्यादा करीबी इंसान, जिसको आपसे ज़्यादा बेहतर शायद कोई और ना जानता हो, जो आपकी नज़रों में कभी भी इतना घिनौना काम कर ही नहीं सकता, उस इंसान के ऊपर रेप के चार्ज लग जाते हैं। तो आपके साथ क्या बीतेगी, आपकी क्या मनोदशा होगी ऐसी सिचुएशन के अंदर, आप किस तरह खुद को संभालोगे, अपनी फैमिली को संभालोगे और उस पर्सन को छुड़ाओगे। ये जो सिनेरियो ना, इस पूरे सिनेरियो के ऊपर बेस्ड है हमारी मूवी गार्गी। गार्गी हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर का नाम है और मूवी का नाम भी यही है। गार्गी एक दिन अपने घर वापस आती है, स्कूल टीचर होती है वो, और वो अपने घर वापस आती है और उसको पता चलता है कि घर पर उसके फादर अभी तक लौटे नहीं है। उसके फादर एक वॉचमैन होते हैं एक सोसाइटी के अंदर। जब वो शाम को पुलिस कंप्लेंट करने जाती है तो पता चलता है कि उनके फादर के ऊपर गैंग रेप के चार्जेस लग गए। अब ऐसे में क्या मनोदशा होगी गार्गी की, किस तरह गार्गी अपने फादर को बचाएगी, क्या उसके फादर सच में इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था। देखो, ट्रेलर मैंने इस मूवी का देखा नहीं था, बस मैंने इस मूवी की रिव्यूज सुने थे और मेरे को ये मूवी अच्छी लगी थी सुनने में, इसलिए मैंने इस मूवी को देखने की सोची। शुरुआत में जिस तरह का कॉन्सेप्ट ये लोग बिल्ड कर रहे थे, मेरे को उसमें मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट इस बात में था कि गार्गी अपने फादर को किस तरह बचा के लाएगी, और गार्गी जिस तरह से ह्यूमिलेट होगी, जिस तरह से उसकी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा, ये दशा किस तरह से ये मूवी दिखाती है, ये मेरा देखने का मन था। पर मूवी चलती है अपने स्लो पेस के ऊपर, और जब तक ये मूवी कोर्ट रूम में पहुंचती है तब तक मूवी आधी ख़त्म भी हो जाती है, और ये बात देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मूवी इस तरह बनाई गई है कि उसका पेस जो है वो स्लो ही रहता है। मेरे को स्लो पेस मूवी से कोई कंप्लेंट नहीं है, अगर वो सही तरीके से हर एक चीज़ को दिखाए, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने टाइम भी ज़्यादा लिया और ये लोग सही तरीके से दिखा भी नहीं पाए चीज़ों को। अगर ये चाहते तो अपने फर्स्ट हाफ को गार्गी और उसकी फैमिली के ऊपर क्या कुछ बीता है उस पर दिखाते, और सेकेंड हाफ जो है कोर्ट रूम ड्रामा, जो कि इन्होंने कोशिश भी वही करी है, लेकिन उसके अंदर ये लोग सही तरीके से कामयाब नहीं हो पाते, और यही बात जो है मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बेसिकली मेरे लिए मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा था, मूवी के अंदर की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, और जो मेन लीड है गार्गी वो बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करती है, लेकिन उसके बावजूद जब ये मूवी ख़त्म होती है तो मेरे को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था ये वो मेरे को डिलीवर नहीं कर पाती, प्लस इसकी जो एंडिंग है वो मुझको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। अब बात करते हैं मूवी किन लोगों के बारे में। देखो, अगर आप रेप जैसे सेंसिटिव टॉपिक को नहीं देख पाते या फिर आप इनसे दूर ही रहना चाहते हो तो इस मूवी को मत देखो। स्लो पेज मूवी अगर आपकी टेस्ट लाइन में नहीं आती है, आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो इस मूवी से दूर रहो। लेकिन अगर आप इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो और इमोशन से भरपूर मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को देखो। इस मूवी को अगर आप एक सिटिंग में देखोगे तो ज़्यादा फील कर पाओगे, लेकिन बीच में अगर आपने गैप ले लिया तो आपकी पकड़ जो है इस मूवी से छूट जाएगी। एक बार तो इसको आपको देखना ही चाहिए,
तो ये था मेरा रिव्यू गार्गी मूवी के लिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी किसी और मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।